अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाना की फिर मेरे रायबा की। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे पिछले हफ्ते की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के 8 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक के भी 8 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन दोनों फिल्मों में किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करी सबसे ज़्यादा कमाई। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि छपाक और तानाजी में आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म छपाक के बारे में, तो मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी हुई छपाक फिल्म, जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में थे विक्रांत मेसी और दीपिका पादुकोण, फिल्म का बजट था लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए, और दोस्तों फिल्म को वर्ल्ड वाइड 2000 से भी ज़्यादा स्क्रीन में रिलीज किया था। आपको बता दें दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ना तो पहले दिन कोई खास कमाई की, ना ही फिल्म के कलेक्शन में बाकी दिन में कोई ग्रोथ आया, जबकि दोस्तों फिल्म को जो रिव्यूज़ मिले थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे और सभी ने फिल्म को वो इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बताया है। लेकिन दोस्तों अच्छे रिव्यूज़ के चलते भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं कर पाई, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दोस्तों यही थी कि फिल्म को लोगों ने जमकर बायकॉट करा और फिल्म का विरोध होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी पीछे रह गई। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों छपाक फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया था 4,77,00,000 रुपये का, दूसरे दिन कमाए थे 6,90,00,000 रुपए, और तीसरे दिन 7,35,00,000 रुपए। वहीं पांचवें दिन कमाए थे 2,55,00,000 रुपए, और छठे दिन फिल्म का कलेक्शन था 2,61,00,000 रुपए, और सातवें दिन तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1,50,00,000 रुपए ही कमा पाई। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन किया लगभग 28 करोड़ रुपए का। बात करें दोस्तों फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ चुकी, और यह फिल्म 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है लगभग 1 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का 8 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 29 करोड़ रुपए का हो चुका है, वहीं इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 33 करोड़ रुपए। और बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से टोटल कमाई की है लगभग 11 करोड़ रुपए की। इसी के साथ दोस्तों छपाक फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 44 करोड़ यानी 44 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए इंडिया नेट कलेक्शन करना होगा कम से कम 60 करोड़ रुपए, जो कि अब पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा है, यानी कि छपाक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सीधे सीधे फ्लॉप होती नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में। दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिस फिल्म का डायरेक्शन किया था ओम रोथ ने, और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में थे बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन, उनके साथ फिल्म में नजर आए थे सैफ अली खान और काजोल मैम। साथ ही साथ इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार प्ले किया था शरद केलकर ने। आपको बता दें दोस्तों फिल्म रिलीज हुई थी 10 जनवरी को, और फिल्म ने आज बॉक्स ऑफिस पर 8 दिन कंप्लीट कर लिए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को अपने पहले हफ्ते में इंडिया में रिलीज किया गया था लगभग 3,800 स्क्रीन पे, वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म को मिली थी 660 स्क्रीन। लेकिन दोस्तों अब जहां फिल्म को दूसरा हफ्ता चालू हो चुका है, और दूसरे हफ्ते से एक आध हॉलीवुड की फिल्म, कुछ साउथ की फिल्में और एक बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हो गई, जिसके चलते दोस्तों यहां पे तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म की दूसरे हफ्ते में थोड़ी स्क्रीन कम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नई रिलीज फिल्मों के कारण यहां पे तानाजी द अनसंग वॉरियर की ज्यादा स्क्रीन तो कम नहीं हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फिल्म की स्क्रीन कम हो चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों आप फिल्म के दूसरे हफ्ते के जो कलेक्शन है वो थोड़े ड्रॉप होते नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म, जिस फिल्म को हिंदी के अलावा मराठी में भी रिलीज किया था, और फिल्म का बजट लगभग 110 करोड़ रुपए था। दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे लगभग 15,10,00,000 रुपए, और फिल्म ने शुरुआती 3 दिन यानी अपने वीकेंड में 60 करोड़ से ज्यादा
की कमाई की थी। वही दोस्तों फिल्म वीकडेज में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा होल्ड बनाए रखी और बीच में फिल्म के कलेक्शन कभी कम कभी ज्यादा होते रहे, लेकिन फाइनली फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में काफी बढ़िया कमाई की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी कि मंडे इंडिया नेट कलेक्शन किया था 13 करोड़ 75 लाख रुपए का और पांचवें दिन कमाए थे 15 करोड़ 28 लाख रुपए। वही दोस्तों छठे दिन थी मकर संक्रांति और मकर संक्रांति का हॉलीडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन छठे दिन एक बार फिर से ग्रोथ हुए और फिल्म ने छठे दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया था 16 करोड़ 72 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म का सातवें दिन का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रहा। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 118 करोड़ रुपए। अब बात करें दोस्तों फिल्म के आठवें दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म आठवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी शुरुआत कर पाई है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को आठवें दिन अपने मॉर्निंग वाले शोज में 19 से 20% की ऑक्यूपेंसी मिली। वही अफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी फिल्म की जा रही है लगभग 24 से 25% के बीच में। और दोस्तों आपको बता दें फिल्म के जो आठवें दिन की एडवांस बुकिंग है वो रही थी लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की। तो दोस्तों जिस तरह की फिल्म की एडवांस बुकिंग है और जिस तरह की फिल्म को ऑक्यूपेंसी मिली है उसे देखते हुए लग रहा है कि फिल्म अपने आठवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट यानी कि लगभग 10 करोड़ की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का शुरुआती 8 दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 128 करोड़ रुपए। वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 148 करोड़ यानी कि 148 करोड़ रुपए। बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म जिस तरह से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है उसी तरह फिल्म के ओवरसीज के भी कलेक्शन आए और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से टोटल ग्रोस कलेक्शन किया लगभग 22 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म ने अपने शुरुआती 8 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 170 करोड़ रुपए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डुपर हिट। वैसे दोस्तों अगर अभी तक भी आपने तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म नहीं देखी तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस फिल्म को देखकर जरूर आए, फिल्म बिल्कुल मिस ना करें। और अगर आप तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म देखकर आ चुके हैं तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर? अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।